शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को लेकर अब खास प्लान भी तैयार कर लिया है। इसको लेकर चर्चा हो रही है कि गहलोत वैभव को जालौर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करवा रहे हैं। इससे सियासी गलियारों में अब हलचल मच गई है। इधर जालौर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर जब अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव की सक्रियता भी बढ़ गई है, वहीं वैभव गहलोत जालौर लोकसभा सीट को लेकर दो दिवसीय दौरे पर भी हैं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वैभव जालौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की लगभग तैयारी कर चुके हैं। जोधपुर छोड़कर वैभव ने अब जालौर में तैयारी शुरू कर दी है। वहीं वैभव गहलोत ने पिछली बार जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें करारी हार दी थी। इस बार भी जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने फिर से रिपीट कर दिया है, लेकिन वैभव ने इस बार जोधपुर से चुनाव नहीं लड़कर जालौर सिरोही लोकसभा सीट से तैयारी करने का मन बनाया है। इसको लेकर वो जालौर लोकसभा क्षेत्र में ही हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चर्चा कर नेताओं से फीडबैक भी लिया है। आपको बता दें, गहलोत भी बेटे के लिए अब रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर सिरोही संसदीय सीट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैभव के चुनाव लड़ने के लिए अब जमीन तैयार कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने जयपुर में जालौर सिरोही के सभी कांग्रेस नेताओं से फीडबैक भी लिया था। साथ ही वैभव गहलोत को जालौर से चुनाव लड़ने को लेकर अब चर्चा चल रही थी। वहीं सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भी अशोक गहलोत के सामने वैभव जालौर के चुनाव लड़ने की बात रखी थी। आपको बता दें, बंद कमरे में तैयार हो गई थी यह रणनीति। आपको बता दें, वैभव गहलोत के जालौर सिरोही संसदीय सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बीते दिनों भी कयास लगाए जा रहे थे। चुनाव को लेकर कांग्रेस के लोकसभा समन्वयक हेम सिंह शेखावत ने फीडबैक लेने के लिए जालौर जब वो वहां पहुंचे, जहां वैभव गहलोत को जालौर से चुनाव लड़ाने को लेकर बंद कमरे में नेताओं की चर्चा और रणनीति तैयार उन्होंने वहां पर जाकर की। इसके बाद से यही माना जा रहा था कि वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ सकते हैं और इस दौरान कांग्रेस के उधम सिंह और साथ ही सरोज चौधरी, रामीला मेघवाल समेत कई नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है कि अभी जालौर सिरोही से अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।